अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल कर रहे हैं सांगढ़ जानवाद अली से। केडी कॉलेज सांगढ़ में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह डायमंड जुबली जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर परचम कुशाई की और सलामी दी गई और प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान और कौमी तराने से किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खसूसी साहब के वफाकी वजीर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स केडी कॉलेज सांगढ़ के सीनियर मेंबर खैर मोहम्मद जुनेजो थे। मेहमान खसूसी ने अमले को एजाजिया दिया और नुमाएं कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। बाद अदा उन्होंने यादगार के तौर पर एक पौधा भी लगाया और कैडेट्स के दरमियान वॉलीबॉल, स्विमिंग और बास्केटबॉल के दोस्ताना मैचेस भी खेले गए। इस मौके पर कमांडेंट व प्रिंसिपल कैप्टन ज़िशान अली ने आए मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने तमाम अहले वतन को और कैडेट्स को, असातिज़ा, वालदेन, स्टाफ को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान के शहरी हैं। मेहमान खसूसी खैर मोहम्मद जुनेजो ने कहा, आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आज केडी कॉलेज सांगढ़ में कैडेट्स और स्टाफ के साथ जश्न आज़ादी मना रहा हूँ। हमारी हर पल यही कोशिश है कि पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए वक्फ हो। इस इदारे में कैडेट्स को बेहतरीन तालीम के साथ तरबियत दी जाती है, जिससे ये कैडेट्स कामयाब होकर मुल्क कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मौके पर फेरोज़ गुल, मोहम्मद करीम लाखों और दीगर स्टाफ और कैडेट्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।